हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एस्ट्रा माइक्रोवेव के ऊपर। एस्ट्रा माइक्रोवेव क्यों अच्छा लग रहा है, चार्ट कैसे दिख रहे हैं, इस बारे में सब में डिटेल में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बट इससे पहले हम इसमें डिटेल में चर्चा करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आप लोग चैनल पर आ ज़रूर रहे हैं बट जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज़। तो एक ही रिक्वेस्ट रहती है मेरी हर वीडियो में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट रहता है, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं रहती मेरे चैनल पर, बट फिर भी जो भी मुझे चार्ट पसंद आता है, जो भी अच्छा लगता है, उसके साथ मैं स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही बताता हूँ। तो दोनों ध्यान से सुनिएगा, स्किप करके वीडियो को मत देखिएगा, अदरवाइज़ आप हो सकता है स्टॉप लॉस ना देख पाएँ और आप उस पोजिशन में फंस जाएँ और आप बाद में ब्लेम करेंगे कि मैं इस पोजिशन में फंस गया हूँ बिकॉज़ आई हैव सीन दिस वीडियो। तो पहली रिक्वेस्ट तो यही है कि मेरी वीडियो देखने के बाद या मेरे चैनल पर कोई भी कंटेंट देखने के बाद आप बाई सेल का जो भी डिसीजन लेते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही लीजिएगा। तो इससे पहले हम इसमें देखें कि क्या इसमें मूवमेंट हो रहा है। आपके सामने मैंने एक ये लाइन ग्रीन कलर की लगा रखी है 280 रुपीज़ की। 280 रुपीज़ के ऊपर जब ये ब्रेकआउट आया था उस टाइम पर हमने बात ज़रूर की होगी एस्ट्रा माइक्रोवेव के ऊपर, और उसके बाद आप देखिए 490 चल रहा है अभी। सिर्फ और सिर्फ संयम रखना होता है ब्रेकआउट के बाद, कई बार ब्रेकआउट के बाद वो रीटेस्ट भी करता है लेवल्स और नीचे आते हैं और उसके बाद ऊपर चलना शुरू करते हैं। तो थोड़ा संयम के साथ अगर आप काम लेंगे शेयर मार्केट में और लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी पोजीशन लेंगे अच्छी कंपनीज़ में, तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। आप अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हो सकता है आपका फिर उस केस में आपको स्टॉप लॉस बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप फंस सकते हैं किसी भी पोजीशन में। तो आज एस्ट्रा माइक्रोवेव में जो मूवमेंट आया है वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। अगर आप देखेंगे इसमें मार्केट नीचे था, बट ये जो एक कैंडल बनी थी कल के दिन में, बहुत ही बढ़िया एक ये वॉल्यूम बार बनी है जो कि देखने लायक है। और अगर आप इस वॉल्यूम बार पे नज़र डालेंगे तो इस तरह का वॉल्यूम बार काफ़ी टाइम में नहीं बना है, तो इसीलिए आज के सत्र में फिर ये सब्सिक्वेंट बाइंग आई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और अभी नेक्स्ट पड़ाव क्या देखने को मिल सकता है, अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो आपको सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है, क्योंकि ये जो एक गैप अप हुआ है यहाँ पर, उसको ध्यान रखिएगा। वो एक गैप अप अब अच्छा खासा आपको एक कुशनिंग देगा, और अगर ये गैप अप तोड़ के नीचे चला जाता है तो आप बिल्कुल निकलने के बारे में सोच सकते हैं पोजीशन से। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो एक कायदे का स्टॉप लॉस हो जाता है आपका 440 450 के आसपास, जो कि इसका 20 डेमा भी है। तो आप देखेंगे 20 डेमा पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ ऑलमोस्ट अगस्त 2023 के बाद इसने कभी भी 20 डेमा को ब्रीच नहीं किया है। आप ये देख सकते हैं, बड़ा एविडेंट है इस पर्टिकुलर चार्ट में भी कि 20 डेमा को इसने अगस्त के बाद कभी भी ब्रीच नहीं किया है, और 20 डेमा के ऊपर ही ये सस्टेन कर रहा है। तो 20 डेमा एक अच्छा खासा एक कुशनिंग दे देगा, और उसके अलावा एक और चीज़ है कि जो रनअवे गैप बना है इस पर्टिकुलर चार्ट में, वो भी एक अच्छा खासा कुशनिंग देता है किसी भी ट्रेड को। तो 440 450 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इस पोजीशन में बने रह सकते हैं। अब ये इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अगर मैं इसको देखता हूँ कि ये अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अगर मैंने पुरानी भी जैसे मंथली में कन्वर्ट करता हूँ सो दैट आपको इजीली दिखे, तो अगर आप ये देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चार्ट है ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर अब नेक्स्ट पड़ाव कैसे देखने को मिलेगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। डेली के चार्ट में फिर से कन्वर्ट करता हूँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम फिर हेल्प लेंगे एक बहुत ही अच्छे एक टूल की, जिसको बोलते हैं फिबोनाकी रिट्रेसमेंट। फिबोनाकी रिट्रेसमेंट की हम देखते हैं कि किस तरह से देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर चार्ट में। तो ये मैं आपके सामने फिबोनाकी रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूँ कि कहाँ पर इसका नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलता है। वो मिलेगा आपके सामने, दिखाओ क्या, तो ये आपके सामने मैंने ये लेवल्स कर दिए हैं फिबोनाकी के। तो इसमें भी आप देखते हैं तो 474 जो का लेवल जो था वो 61.8% का लेवल था, और 61.8% आपको पता है ये लेवल्स होते हैं। और ये दूसरा पड़ाव है ये आपको देखने को मिलेगा 635, तो 474 के बाद सीधे सीधे 635 रुपये का टारगेट इसमें देखने को मिलेगा।
तो अगर ये इसी लेवल पर टिक जाता है और अच्छी खासी यहाँ से चाल चलना शुरू करता है, तो आपको इमीडिएट जो आपको नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा वो 635 का। तो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है 450 460 का। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस बनता है और 635 का इसमें नेक्स्ट टारगेट बनता है। तो बहुत ही बढ़िया इसमें चार्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं और इसी वजह से ये मेरे रडार पर भी आया है। 70-71 का इसमें RSI का नंबर है, तो वो भी बहुत बढ़िया है और अभी भी ओवर बॉट सिचुएशन में नहीं गया है। तो ये जो स्टॉक है बहुत ही अच्छा लग रहा है चार्ट पर, और डिफेंस जो एज एन इंडस्ट्री जो है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और वहीं पर ये एस्ट्रा माइक्रोवेव काम करता है। इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र इफ़ इन केस यू हैव एनी पोजीशन और यू वॉन्ट टू टेक एनी पोजीशन इन दिस। तो वो ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही कोई भी पोजीशन लीजिएगा। अगर आपको मेरे चैनल पर आप नए हैं और पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई फ्यूचर में नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल, एंड यू कैन हिट द लाइक बटन एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।